अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली कि आप सब ठीक होंगे। तो जी, ये चांद रात से एक दिन पहले का क्लिप है। यहाँ पर हस्बैंड को गर्मी लग गई थी तो उन्होंने लस्सी बनवाई थी और ख़ुद भी पीती और मुझे भी पिलाई थी। तो यहाँ पर मैं उसी दिन का ही ये भी क्लिप था। मैं किचन की डीप क्लीनिंग इस दिन कर रही थी तो यहाँ पर मैंने ये सारे जार वॉश करके धो के इनको अरेंज दोबारा से किया है। और इतना कोई मैंने फैलावा फैलाया हुआ था आज भी, तो देख सकते हैं आप लोग। अभी ये चीज़ें रखी हैं, अभी ये जो बर्तन है ये भी अंदर कैबिनेट्स में जाने थे और मैंने पूरा बिखेर के रखा हुआ है, ये वाला खाली किया हुआ है इसके अंदर। और ये काम हस्बैंड ने बहुत अच्छा कर दिया था कि किचन में लगा दिया था उन्होंने फ़ैन, जिससे मुझे काम करने में बहुत आसानी हो रही थी, मुझे गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था। और फिर मुझे करनी थी डीप क्लीनिंग फ्रिज की भी, तो यहाँ पर मैं वो ही कर रही थी। मैंने पहले जो फ्रिज को पूरा खाली करा, इसके सारी चीज़ें धोई हैं, क्योंकि बकरा ईद पर ऐसा होता है ना कि सबसे ज़्यादा हमारा जो यूज़ में आने वाली चीज़ होती है वो फ्रिज होता है हमारा, तो उसको पहले से ही ना अगर आप साफ़ कर देना तो फिर वो आपके लिए इजी हो जाता है। तो यहाँ पर ना मैंने ये फ्रिज वगैरह धो के इसकी सारी चीज़ें रैक वगैरह में लगा रही हूँ। और मैंने सोचा था कि मैं चांद रात में ही ना ये ब्लॉग अपलोड कर दूँगी, लेकिन चांद रात में मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी थी कि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था ना कि मैं इसका वॉइस ओवर करूं। और एडिटिंग भी मैंने रात के 3 या 4 बजे कर ली थी, लेकिन मैंने अपलोड नहीं किया था। मैंने कहा कि इस टाइम तो कोई भी देखेगा ही नहीं और व्यूज़ ही नहीं आएंगे, तो फिर मैंने ये सोचा कि आज कर देती हूँ। और सबको जो है बहुत ज़्यादा ईद मुबारक मेरी तरफ़ से, क्योंकि ये व्लॉग तो ईद वाले दिन ही होगा। ईद का व्लॉग भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इसके बाद में, लेकिन अभी मैंने सोचा कि चांद रात का व्लॉग शेयर कर लेती हूँ। कि फ्रिज को कर लिया था मैंने अंदर बाहर से पूरा क्लीन, और हालांकि मैंने एक दिन में सारा काम नहीं फैलाया था, मैंने डिवाइड किया हुआ था कि इस दिन ये कर लेती हूँ उस दिन वो कर लेती हूँ, लेकिन काम था कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और मैं 4 साढ़े 4 बजे सोई थी और फिर मैं उठ गई थी, उठने का दिल भी नहीं कर रहा था लेकिन फिर उठना था तो उठ गई, क्योंकि फर्स्ट डे हमारे घर कुर्बानी भी थी। तो वो वाला व्लॉग इसके बाद शेयर करूँगी। यहाँ पर मैंने बनाई थी बिरयानी, और मैं ना आलू की तहारी बना रही थी और ये बिरयानी भी ना आलू की ही है। मैं आलू की तहारी बना रही थी तो हस्बैंड ने कहा कि तहारी नहीं बनाओ, बिरयानी बना लो तय वाली, इसको ही ना बिरयानी कर दो, मीन्स के आलू की बिरयानी हो गई है तय वाली। और यकीन करें कि इतनी टेस्टी बनी थी ये कि लग ही नहीं रहा था कि ये जो है कोई, मैंने ना इसमें गोश्त वगैरह कुछ नहीं डाला था, सिर्फ आलू था और बस गोश्त की ही कमी थी, और इतनी मज़े की बनी थी। साथ में मैंने बना लिया था सैलेड और बस फिर हमने ये डिनर में खाया था। तो यहाँ पर सैलेड की लुक है और देख सकते हैं आप लोग बिरयानी की ये लुक है। आगे बकरा ईद भी अगर आप लोग गोश्त खाने से बोर हो जाए ना तो आप लोग ये वाली बिरयानी ट्राई ज़रूर कर लेना। तो रेसिपी मुझे शेयर नहीं की थी बिरयानी की, बहुत दफ़ा मैंने रेसिपी शेयर की हुई। यहाँ मैंने मशीन लगा ली थी और यहाँ पर मैंने सारे जो है मैट्स वगैरह भी धो लिए थे, और बस मुझे ना सुकून नहीं मिलता कि मैं ये चीज़ें साफ़ कर लूँ वो चीज़ें साफ़ कर लूँ। तो जब तक कि ईद नहीं आती ना, मैं मेरी खुशी होती है कि मैं कुछ ना कुछ करती रहूँ क्लीनिंग। अब ये वाले कपड़े मुझे उठा के ऊपर लेके जाएँ तो ये कोई इतना ज़्यादा वज़नी था तो मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं इसको उठा के सबसे ऊपर लेके जाऊं फैलाने के लिए। अच्छा, यहाँ पर ना जब मैं कपड़े वगैरह धो रही थी तो मेरी मदर इन लोगों ने अंडे आलू का सालन बना लिया था दोपहर में ही, तो बस मुझे ना अभी रोटियाँ बनानी थी। तो मैंने कहा कि चलो फिर मैं रोटियाँ बना लेती हूँ, फिर मुझे मार्केट भी जाना था तो मैं इतना ज़्यादा थक गई थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप खुद ही चले जाएँ, जो थोड़ी बहुत 2-4 चीज़ें थी, बच्चों की चीज़ें मंगानी थी मुझे, और मेरे तो यानी कि बकरा ईद में हमारे इतने ज़्यादा ना कोई शॉपिंग नहीं होती है, क्योंकि बेसिकली ये कुर्बानी का दिन होता है और इतना कोई पहनता भी नहीं है, किचन के अंदर तो मेरा पूरा दिन गुजरता है। तो अभी भी वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो साथ में जो है किचन में मेरे खाने पक रहे हैं और अभी वो मैं जो है आई हूँ वॉइस ओवर करने। मैंने कहा बच्चे उधर हैं तो कर लेती हूँ। तो खैर, यहाँ पर ना जब मेरी सिस्टर इन होती थी ना तो काफ़ी हेल्प हो जाती थी, बहुत सारा काम, ये जो काम अभी मैं कर रही हूँ ना ये वो कर रही होती थी, लिविंग रूम वगैरह का। मैं सिर्फ अपना कमरा देख लेती थी, किचन देख लेती थी, कपड़े धो लेती थी, लेकिन अभी मेरी सिस्टर इन लोगों को ये होती थी तो वो सारा ये सब भी काम करती थी, तो काफ़ी हेल्प हो जाती थी, काफ़ी सपोर्ट रहता था मुझे ना उनसे। लेकिन अभी सब कुछ जो है मैं खुद ही कर रही थी। यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आए थे हस्बैंड और कह रहे थे कि ये मैं बाहर की नहीं लाया हूँ, मतलब पाकिस्तानी कोल्ड ड्रिंक, और हमें पाकिस्तानी ही पीनी चाहिए। और साथ में ये मैंगोज़ भी लेकर आए थे, क्योंकि आजकल हम लोग रेगुलर मैंगो शेक मिल्क शेक पीते हैं, और मैं देख रही थी कि ये इतना बड़ा मैंगो है माशाल्लाह से, लेकिन ये वीडियो में बहुत छोटा लग रहा है, ये रियल में इससे भी
थोड़ा लग रहा था। यहाँ मैंने फ्लावर्स भी कुछ अपने जो है ना शैम्पू और सर्फ के पानी में भिगो के रखे हुए थे कि ये सारे जो है वास में डालने थे, तो बस इनको जो है मैं अब हल्का सा रब करूँगी क्योंकि बस डस्ट होती है इसके ऊपर, तो बस वो पानी से और शैम्पू के और सर्फ के पानी से ना वो क्लीन हो जाता है अच्छे से। तो बस यहाँ पर मैं ये करूँगी। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ हमारे लिविंग रूम का, जो कि पहले ये लुक था, उसके बाद जी ये लुक हो जाएगा। थोड़ी सी ट्रांजेक्शन कर ली थी, मैंने कहा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं इसको जो है कवर्स करते हुए दिखाऊँ सब कुछ, ना बहुत लंबी वीडियो बन जानी थी और मेरा काम ना बहुत लंबा हो जाना था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मुझे काम थे और प्रेस वगैरह करने थे कपड़ों के, चांदरात पर ये सब भी काम होता है, तो मैंने कहा कि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और मेरे काम ना बहुत देर में होंगे, पर इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से ना ये था जी हमारा लिविंग रूम का लुक। उसके बाद जी मैं कमरे की भी, अच्छा मैंने कमरे की थोड़ी सी सेटिंग चेंज की थी पिछले व्लॉग में बताया था, तो इस तरह से कि मैंने बेड ना बिल्कुल दीवार से लगा दिया और पहले ये सेंटर में था मेरे रूम के, अब मैंने बिल्कुल दीवार से लगा दिया तो आगे ना बहुत स्पेस मुझे मिली है। तो अभी नीचे तो मैंने ना मोबिंग और स्वीपिंग नहीं की थी, सिर्फ मैंने अभी ऊपर से झाड़ पोछ कर दिया था, वो मैं सुबह उठ के करूँगी क्योंकि मैं बड़ा थक गई थी यही काम, तो इसलिए मैंने आपको ना नीचे की वो जो स्पेस बन गई ना मेरे कमरे में वो मैंने अभी दिखाई नहीं आपको, तो वो मैं आपको जो है ना नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगी इंशाल्लाह। तो ये यहाँ पर साइड टेबल्स पे ना मेरा साइड टेबल का एक कांच भी टूट गया था जिसको मैंने कवर करने के लिए ना ये नेट मेरे पास पड़ी हुई थी तो मैंने डाल दी थी, तो काफ़ी लुक ना इससे भी अच्छा लग रहा था। तो देख सकते हैं ये थी जी मेरे कमरे की लुक। रूम कूलर अभी पड़ा, ये भी बाहर निकलवाना था इसलिए भी मैंने पूरे कमरे की आपको लुक शेयर नहीं की अभी। ये था जी मेरा ड्रेस और मैं बस बकरा इतने इसी तरह का लॉन कॉटन का सूट बना लेती हूँ, ये लॉन का सूट है, इतनी कोई गर्मी होती है ना हमारे यहाँ बकरा ईद पे, तो बस मैंने कहा कि मुझे यही सूट सेना है और लेना है और पहनना है, तो बस मैंने ये ले लिया था सलवार लिया था हल्की सी ना बिल्कुल बारीक वाली लेस अटैच करवा दी थी चौक दामन और आस्तीन पर भी, और मैंने गला इसका तावीज़ पट्टी वाला बनवाया था और बटन लगवा लिए थे बस, और साथ में मैंने ना थोड़ी सी चूड़ियाँ भी निकाली जो कि मैं थोड़ी देर ही पहनूंगी इतनी गर्मी में, तो क्योंकि चूड़ियाँ गर्म हो जाती हैं जब खाना वाना बनाओ ना, तो बस थोड़ी देर में पहन लूँगी इसको। और यहाँ ये इसका ट्राउज़र दिखा रही हूँ, इस पर भी मैंने ये बारीक सी ना लेस अटैच करवा दी थी, तो साथ में मैंने ये निकाल लिए थे अपने टॉप्स, और बस ये हमारी तैयारी हो जाएगी। और मेरे हस्बैंड का यही कहना होता है कि बकरा ईद में इन चीज़ों पर हम लोग थोड़ा कम जाते हैं कि कपड़े बना लेंगे कर लें वो कर लें, कुर्बानी हमारा असल मकसद होता है, मैं तो अल्लाह पाक सबको तौफीक दे और अल्लाह पाक हमारी कुर्बानियों को भी कबूल मंजूर फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो यहाँ पर ये मैंने अपना ड्रेस निकाल लिया था, हस्बैंड के भी कपड़े प्रेस कर लिए थे और बच्चों के भी कर लिए थे, और ये चूड़ी मुझे मेरी मम्मी ने दी थी क्योंकि मैंने रखी हुई थी पहनी, मैंने कहा चलो पिंक कलर आ रहा है और इसमें जो लेस लगी हुई वो पिंक कलर है तो मैं ये पहन लूँगी थोड़ी देर के लिए, थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह लूँगी। और फिर ये सूट भी मैंने इस ईद पे भी नहीं बनवाया था, ये मेरा मीठी ईद का सूट था जो कि मैंने स्टिच तो करवा लिया था लेकिन पहनने की नौबत नहीं आई थी, तो एज इट इज़ ये ऐसी का ऐसे ही रखा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो बकरा ईद में काम आएगा और फिर इसलिए मैंने ये निकाल लिया था। निकाल के मैंने प्रेस वगैरह कर दिया लेकिन मैंने फिर पहना नहीं क्योंकि कुर्बानी का दिन था, तो मैंने सोचा कि किचन के अंदर मुझे पूरा दिन रहना है तो मैं क्यों इस सूट को पहनूं, मैंने कहा चलो छोड़ो मैं कोई और सा टू पीस निकाल लूँगी वो पहन लूँगी। और साथ ना मैंने यशफा के ये वाले कपड़े निकाले थे, ये स्कर्ट है बैगी स्टाइल इसकी ना शर्ट है और वाइट कलर की और येलो कलर का स्कर्ट है इसका, तो ये था इसका कपड़ा ना जॉर्जेट था, पता नहीं कौन सी जॉर्जेट थी ये तो मुझे नहीं पता, और किसवा का ये था, ये थोड़ा वैसा कॉटन पे था लेकिन कॉटन में ना इसमें इस तरह से लाइनिंग थी जैसे कि डायमंड डायमंड वाली लाइन्स होती है ना, समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बताऊं, तो वो उस तरह से था ये। और लेकिन हस्बैंड ने काफ़ी साइज़ में छोटा लेकर आ गए थे तो मैं उनको ये कहती थी कि इतनी छोटी अभी किस्वा नहीं रही है, तो वो काफ़ी जो है छोटा मतलब, फिर मैंने कहा चलो पहना के फिर मैं इसको ना घर में ही पहना दूँगी, तो गर्मियाँ भी हैं तो इस तरह के कपड़े जबले वबले ना इसको सही रहते हैं क्योंकि किस्वा के गर्मी दाने भी बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं। और साथ में ये वाले भी कपड़े थे तो मैंने सोचा था कि आपसे ना जो है बकरीद के बेबी फ्रॉक डिज़ाइन वगैरह शेयर करूँगी जो कि थे यशफा और किस्वा के कपड़े, लेकिन बस जो है टाइम ही नहीं मिल पाया कि मैं जो है कि अलग से सेपरेट इसकी वीडियो बनाती। ये मुझे इतना प्यारा प्रिंट लगता है, छोटे छोटे से फ्लावर्स बने हुए येलो और रेड कलर के, ग्रीन भी इसमें टच आ रहा है, बहुत प्यारा लगता है। इसके साथ ना मैंने लाल रंग के जो है टाइट्स इनके लिए थे दोनों के सेम टू सेम, और एक और सूट था ग्रे जो कि मुझे इनके अलमारी में मिल ही नहीं रहा था, मैंने सेटिंग वगैरह चेंज किया तो पता नहीं कहाँ चला गया वो। तो जनाब ये थी मेरी चांद रात की रूटीन, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय अल्लाह हाफिज़, अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, दो में याद अल्लाह।